ये कहानी ऐसे बाबा की है जो महज बाबा नहीं है, एक ऐसे संत जिन्होंने पांचवी कक्षा में गीता पढ़ना शुरू किया, 13 साल के हुए नौवीं कक्षा में पहुंचे तो घर त्याग दिया और प्रण लिया कि जीवन में संत ही बनना है। ऐसे संत जो अपनी जवानी के दौर में सिर्फ एक बार भोजन करते, वो भी भिक्षा मांगकर, अगर कभी नहीं मिलती तो खाली पेट सोते, मात्र गंगा जल का सेवन करके सोने चले जाते। जीवन के शुरुआती दौर में काशी के घाट पर रहते, गर्मी हो या सर्दी 3 बार गंगा स्नान करते। ऐसे सिद्ध संत जिनके भक्तों की सूची में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, रवि किशन, मोहन भागवत, गौरव तनेजा, बी प्राक और अफ्रीकन गायक रेवनी समेत कई दिग्गज शामिल हैं, जिनसे मिलने प्रसिद्ध हस्तियां आती, लेकिन वो संत बड़े से बड़े नाम पर उत्साहित नहीं होता, अलग बर्ताव नहीं करता और एक आम इंसान जैसा व्यवहार करता है। पीताम्बर वस्त्र, मोटी जटाएं, तंदुरुस्त कद काठी, मधुर वाणी और वाणी पर विराजमान केवल राधा नाम। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यह आध्यात्म सम्मत परिचय है श्री प्रेमानंद जी महाराज का, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर घर घर में होती है। लेकिन ऐसा क्यों? भारत में अनेक सिद्ध संत हुए, जैसे देवराहा बाबा और नीम करौली बाबा, जिन पर हमने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज अनेक नामों में ऐसा चेहरा है जिनकी चर्चा निर्विवाद, निर्विरोध, निर्बोध और निर्दोष है। उनके नाम पर कोई विवाद नहीं होता। वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज क्यों महज एक बाबा नहीं है, क्यों आज तक वो आरोप और विवादों से दूर हैं, क्यों समाज में उनकी आलोचना और विरोध नहीं नजर आता। रील्स और शॉर्ट्स के दौर में शायद ही किसी ने प्रेमानंद जी का नाम नहीं सुना हो, लेकिन उनका सबसे सकारात्मक पहलू यही है कि लोगों ने उनका नाम तो सुना ही है, लोग उन्हें सुनना भी उतना ही पसंद करते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं। और सबसे बड़ी बात, सुनने समझने के बावजूद लोगों में उनके लिए असहमति नजर नहीं आती। एक संत के इतने स्वीकार्य होने की क्या वजह हो सकती है? सबसे पहली वजह है सिंप्लिसिटी। प्रेमानंद जी के साथ ये बात कितनी स्वाभाविक है कि उनके विचारों से लेकर बातों तक हर पहलू में बराबर सादगी नजर आती है। बातों में कोई लाग लपेट नहीं और तरीके में कोई बनावटीपन नहीं, सब कुछ सादा सादा और खरा खरा। जहाँ जिस भाव की आवश्यकता होती है वहाँ वही भाव, जैसे जहाँ कोई बात सख्ती से समझानी हो वहाँ गंभीरता होती है और जहाँ आशीर्वाद देना हो वहाँ प्रसन्नता का भाव होता है। अमूमन संत इतने भाव केंद्रित नहीं होते। हमने प्रेमानंद जी को बच्चों की तरह खिलखिलाते भी देखा और एक कठोर हृदय वाले शिक्षक की तरह डांटते भी सुना है। इतने विविध भावों के बावजूद उनमें कोई अनावश्यक आवेश और खुशी का दिखावा नहीं है। हो सकता है बहुतों ने नोटिस भी न किया हो, पर प्रेमानंद जी अन्य संतों की तरह केवल मुस्कुराते नहीं बल्कि बच्चों की तरह हंसते भी हैं। खुश होने पर भजन सत्संग में नृत्य भी करते हैं। अक्सर एक अच्छे इंसान की पहचान इस गुण से भी होती है कि बच्चे उसके साथ कितने खुश हैं। ऐसे अनेक वीडियोज हैं जिनमें बच्चे प्रेमानंद जी महाराज के साथ खुश तो होते ही हैं, उनसे अपने मन की बातें भी करते हैं। फिर आती है दूसरी और सबसे अहम विशेषता, प्रेमानंद जी अन्य मजहब या रिलीजन पर व्यंग या कटाक्ष नहीं करते हैं, उनकी आलोचना नहीं करते, अपने धर्म पर बात करते हुए किसी और की कमी नहीं बताते। शायद इसीलिए उनका भक्त वर्ग इतना व्यापक है। उन्हें सुनने और समझने वालों की आबादी दूसरों की तुलना में कहीं अधिक है। देश में फिलहाल जिस तरह का माहौल है, जिसमें लोग एक दूसरे के धर्म पर टीका टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, ऐसे में एक संत का निष्पक्ष होकर सिर्फ अपने पंथ की बात करना विरले तो है ही। ये जितना आसान लगता है असल में है नहीं, क्योंकि कमी निकालने से सरल कार्य कोई और नहीं है। ऐसे में खुद को सही ठहराते हुए किसी और को गलत नहीं ठहराना कोई सामान्य गुण नहीं है। अमूमन रिलीजन और मजहब के जानकार यही करते हैं, अपनी बात कम करते हैं और दूसरों की ज्यादा, यही सुर्खियां बटोरने का सबसे आसान तरीका है। पर प्रेमानंद जी ये तरीका नहीं अपनाते। फिर आती है उनकी तीसरी विशेषता, उन्हें अक्सर कहते हुए सुना है कि गलती सुधारी जा सकती है। आजकल के शब्दों में वो फॉरगिवनेस की बात करते हैं। अधर्म के रास्ते पर चलने वाले भक्तों के लिए भी बड़ा दिल रखते हैं, ये जानते हुए कि सामने बैठे भक्त ने घनघोर पाप किए हैं। प्रेमानंद जी उससे इतना ही कहते हैं कि ऐसी कोई त्रुटि नहीं जिसकी ईश्वर नाम में सदगति नहीं। ये भी उनकी ही खासियत है कि भक्त उन्हें अपना समझकर बड़े से बड़े पाप और अपराध को खुली किताब की तरह उनके सामने रख देते हैं। फिर प्रेमानंद जी भी पूरी व्यथा सुनते हैं और एक ही बात कहते हैं, कोई भी गलती सुधारी जा सकती है, अभी समय है। गलती बच्चों से ही होती है,
हमारी दृष्टि में या हमारे भगवान की दृष्टि में आप बच्चे ही हो। कि एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे संत की भी पहचान है, क्योंकि क्षमा से बड़ा कोई धर्म क्या ही हो सकता है। प्रेमानंद जी की एक और विशेषता है, वो देश सेवा की बात करते हैं और राष्ट्र को प्रथम रखने की बात करते हैं। अमूमन पंथों से जुड़े लोग चाहे किसी भी धर्म, रिलीजन या मजहब के क्यों ना हो, वो धर्म को प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए धर्म पहले होता है, देश बाद में। लेकिन प्रेमानंद जी धर्म से पहले राष्ट्र को रखते हैं, भक्त बनने से पहले देशभक्त बनने की सलाह देते हैं। फिर आता है उनके व्यक्तित्व का सबसे अहम पहलू, जो उन्हें अन्य संतों से पूरी तरह अलग करता है। वो ऐसे इश्यूज को एड्रेस करते हैं जिन पर संत तो क्या, आम लोग भी बात करने से पूरी तरह हिचकते हैं। वो इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करते हैं, इन पर खुलकर बात करते हैं और कुछ भी नहीं कहते, इन समस्याओं के समाधान पर बात करते हैं। वो इन मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए एक प्रश्न करते हैं कि क्या इन गतिविधियों में लिप्त लोग कहीं रुक पाएंगे, क्या उन्हें कभी संतुष्टि मिल पाएगी। जब एक समलैंगिक संबंध बनाने वाला व्यक्ति प्रेमानंद जी के सामने अपना पाप स्वीकारता है, तब वो उस व्यक्ति को कुछ गलत नहीं कहते या उस पर किसी तरह का क्रोध नहीं करते। वो सबसे पहले इंसान के आत्मबल की सराहना करते हैं कि उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी बात कह पाया और सार्वजनिक रूप से अपना पाप स्वीकार पाया। अंत में प्रेमानंद जी ने कहा, क्या कभी ऐसा करके आज तक संतुष्टि मिली, क्या कभी ऐसा लगा कि ये करके मन भर गया, मन को लगता है कि एक बार भोग ले फिर शांति मिल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं। सोचो कि तुम कहां सुख खोज रहे हो। उसका तरीका है, व्यक्ति को संयमित होकर पाणिग्रहण संस्कार में बंधना चाहिए और सृष्टि निर्माण की दिशा में क्रियाशील होना चाहिए। काम का आदेश केवल संतानोत्पत्ति के लिए है। एक स्त्री ने आपको स्वीकारा है और आप उसके प्रेम का विभाजन कर रहे हैं, तो वह कितनी उदास होगी। अगर स्त्री शरीर प्रिय नहीं तो पाणिग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रेमानंद जी की जगह कोई और होता तो शायद विकार या मनोरोग कहकर आगे बढ़ जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक वीडियो है जिसमें प्रेमानंद जी के सेवक और शिष्य बताते हैं कि कैसे उनकी खोज महाराज जी पर पूरी हो गई। उनमें जो भी अधूरा था महाराज जी के सानिध्य में पूरा हो गया। उनका कहना था कि महाराज जी जब हंसते हैं तब तो मोहते ही हैं, रो कर भी मोह लेते हैं। उनके हर शिष्य और हर सेवक ने उनके स्वरूप, सुंदरता और मुखमंडल के तेज की प्रशंसा की। सभी का कहना था कि जैसे किसी मेले में खोए बच्चे को उसके माता पिता मिल जाएं तो गले लगा लें, ठीक वैसे ही महाराज जी ने उन्हें गले लगाया। इसी वीडियो में जब एक बच्चे से पूछा जाता है कि उसे कौन ज़्यादा प्रिय है, माता पिता या महाराज जी, तो वो महाराज जी का नाम लेता है। ये बात सामान्य बिल्कुल नहीं है कि एक संत अधर्मियों को भी ईश्वर में विश्वास बनाए रखने, कठोर शब्दों का उपयोग न करने, दूसरों का मजाक न उड़ाने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात करता है। ये बात लगभग सभी जानते हैं कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं, वो डायलिसिस पर हैं, फिर भी स्वस्थ हैं और इस आधार पर सहानुभूति की अपेक्षा नहीं करते। वो कहते हैं कि ये सब सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि वो ईश्वर का नाम लेते हैं। जब तक ईश्वर चलाएगा तब तक सेवा करते रहेंगे, जिस दिन बुलावा आया उस दिन विदा ले लेंगे। प्रेमानंद जी राधा वल्लभ संप्रदाय से आते हैं। यह वैष्णव परंपरा का ही एक खंड है जिसकी स्थापना 1535 में संत हरिवंश महाप्रभु ने की थी। कृष्णवाद पर आधारित इस संप्रदाय में राधा को इष्ट के रूप में पूजा जाता है, उनके माध्यम से श्री कृष्ण को साध्य माना गया है। यह संप्रदाय संसार से विरक्त होकर सन्यासी बनने की जगह गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। और भी कई बातें हैं जो प्रेमानंद जी महाराज को उत्तम और अलहदा संत बनाती हैं। इस वीडियो में उनके जितने पहलुओं पर चर्चा हुई उसके अतिरिक्त भी कई पहलू हैं जो उन्हें अलग करती हैं। देश और समाज में जैसा माहौल है उसके लिए एक प्रेमानंद का होना किसी दिए की रोशनी जैसा है। शायद इसीलिए बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी उन्हें आराध्य मानते हैं, उनकी तरह सम्मान और समर्पण के भाव से देखते हैं।